गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ट्राइपॉड का। ये ट्राइपॉड मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। सो, इस ट्राइपॉड की प्राइस आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगी 300 to 350 के बीच। मैं इसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरह पैकिंग की हुई है। और ये निकला मोबाइल होल्डर। ये मोबाइल होल्डर हम फिक्स करेंगे ट्राइपॉड के ऊपर। आपको मैं वो करके दिखाऊंगा, तभी आपका मोबाइल और सिंपल कैमरास अटैच कर सकते हैं। और ये निकला आपका अपना ट्राइपॉड। सिंपल और ठीक क्वालिटी का लग रहा है। एल्युमिनियम की क्वालिटी है और प्लास्टिक भी ठीक है। और ये मोबाइल होल्डर अटैच कर दिया ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये तैयार हो गया आपका अपना ट्राइपॉड यूज करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं इसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं पूरी वीडियो अपलोड करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे ये ट्राइपॉड की मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर दी थी, आप लोगों को दिखा दिया था जो अमेज़ॉन से मंगवाया था, बट इसके मैंने फीचर्स आपको एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो मैं चाहता था कि इकट्ठी वीडियो बनाऊं और फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद ही मैं सारी वीडियो आपकी वहां पे डाल दूं। तो ये जो ट्राइपॉड है, ये बेसिकली देखिए, ये एल्युमिनियम बेस्ड है। ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है और प्लास्टिक भी ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्ट 300 to 350 के बीच में पड़ती है। अमेज़ॉन के थ्रू मैंने परचेज़ किया था। मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो, इसके जो फीचर्स हैं हम जान लेते हैं। एक नॉर्मल जो ट्राइपॉड होता है उसके मुकाबले इसमें थोड़ी सी कई चीज़ें नहीं होंगी, बट ओवरऑल इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड एंड चीप ट्राइपॉड वी कैन से इट। फीचर्स की हम बात करते हैं और हाइट की हम बात करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये नॉक्स हैं। एक्सटेंशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ये जो है आपको ये वाली जो है नॉब, ये नॉब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से भी आपको अच्छी खासी एक्सटेंशन मिल जाती है। तो इसे आप नॉब को टाइट कर दीजिए तो ये एक्सटेंशन होगी। हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी आपको नॉब्स दिए गए हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतर है। ये देखिए, एक नॉब खुल गया, इसको आप बंद कर दीजिए। ये दूसरा नॉब खुल गया, इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे एक और तीसरा नॉब आपको खुल जाता है और इसको भी आप कर दीजिए। वैसे ही मैं सबका आपको करके दिखा देता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी हाइट कितनी बढ़ी है और ये एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड की तरह बन चुका है, जो कि इस कॉस्ट में मिलना इम्पॉसिबल टाइप का ही है। तो बात ये देखिए, इसकी हाइट देखिए, अप्रोक्सीमेटली मेरे यहाँ पे स्टमक तक आ जाती है। एंड माय हाइट इज 5'10" 11". तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ये बेहतर है। एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड की तरह आप देख सकते हैं ये बन गया है। अब हम इसके नॉब्स की बात करें। कई बार आपको इतनी हाइट नहीं चाहिए होती तो ये हाइट आप मत लीजिए और नॉब को आप खोल के इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको हाइट चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इस नॉब की बात करते हैं। ये जो है, ये एक्सटेंशन मिला था, मैंने आपको दिखाया था। ये यहाँ पे मैंने जॉइंट कर दिया है ये साथ में।
ये जो नॉब है ये आपका सेटिंग के लिए होता है, मैं आपको कैमरा लगा के दिखा दूंगा। ये जो नॉब है ये आपका एंगल्स कैमरे की चेंज करने के लिए होता है, जब आपको ऊपर नीचे करना हो कैमरे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो है बेसिकली मोबाइल फोन के लिए यूज हो सकता है, DSLR के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि DSLR जो कैमराज होते हैं वो हैवी होते हैं, उसका भार ये नहीं सह सकता। आप देखिए मैं पुश कर रहा हूं तो ये थोड़ा दब रहा है, तो DSLR कैमरे को ये नहीं सह पाएगा। ये मोबाइल फोन्स या फिर कैमरास विदाउट मिरर्स, वो उसके लिए आप बेस्ट है। तो अब मैं आपको इसको मोबाइल को ज्वाइंट करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए मोबाइल फोन को आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप इसे पुश करेंगे और ये आपका मोबाइल फोन लग जाएगा। ये मोबाइल फोन की आपकी कनेक्टिविटी हो गई है। अब आप देखिए इसके सेटिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये आपका नॉक आपको बताया था, ये वाला नॉक आप जब करेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, बट इसको ऐसे सीधा ही रखिए। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, बबल लेवल इंडिकेटर है। बबल लेवल इंडिकेटर जो है बेसिकली ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक काम कर रहा है तो आप सेंटर में रखेंगे तो आपकी फोटो जो है ठीक आएगी। अगर आप इसके डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं बबल लेवल इंडिकेटर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो है नॉब आप इसको ढीला करेंगे तो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, यहां से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रेट आपने यहां रख दिया और ये आपका टाइट कर दिया, ये नॉब हो गया, ये नॉब हो गया, ये नॉब हो गया। तो ये इट्स बेसिकली प्रोफेशनल टाइप ऑफ। तो फ्रेंड्स नॉब्स मैंने आपको बता दिए हैं, फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो 300 to 400 के बीच में अगर आपके उसकी कॉस्ट पड़ती है तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड चीप क्वालिटी ट्राइपॉड। आप इसे वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस बना सकते हैं, अच्छा यूज़ कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। बस ये इतना ध्यान रखिएगा कि ये DSLR कैमरास के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि DSLR कैमरास हैवी होते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। बबल इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया, ये सेंटर में होना चाहिए। अगर ये सेंटर में आ गया, जैसे आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया, तो ये करेक्ट पोजीशन है। इसके डिटेल बबल इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अलग वीडियो बना के सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल इट्स वन ऑफ द गुड क्वालिटी। और इसका एक चीज लास्ट में मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आपने ये नॉब एक्सटेंशन वाला मैंने जैसे बंद कर दिया, इसको छोटा कर देते हैं तो ये इसको आप छोटा करके कह कहते हैं कि इनके नॉब्स ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी क्वालिटी ठीक है, नॉब्स की प्लास्टिक भी ठीक है। इसको मैंने देखो छोटा कर दिया है इसकी हाइट। अब ये जो है आप ऐसे देखिए, आप ऐसे इसे पकड़ के भी आराम से यूज कर सकते हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। सो ये ट्राइपॉड और हैंड के लिए भी अच्छा खासा है। कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, व्यूज आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।